Good morning, student. Now today we are going to do inside and outside. Okay, in Maths IMAX book. Now open the book. In previous video we learned and wrote near and far. Okay, now today we are going to do inside and outside. Today's our topic is now page number 6969. So inside and outside. Inside मतलब अंदर और outside मतलब बाहर. Look at the pictures to see what in inside and what is outside. So these are pictures. Now we have to see what is inside and what is outside. Okay. So first picture is the dog is inside the kennel. What is this? Dog. This is called dog house. So the dog house name is kennel. Dog के house को क्या बोलते हैं? Kennel बोलते हैं. तो वो kennel के अंदर क्या है? See this picture. Dog. This is dog. Now dog is sitting inside the kennel. तो dog कहाँ बैठा है? Kennel के अंदर. यानी उसके हाउस के अंदर कैनल के अंदर बैठा है. ओके, इनसाइड मतलब अंदर. नाउ नेक्स्ट पिक्चर, द बनाना इज आउटसाइड द बास्केट. सो दिस इज बास्केट एंड दिस इज बनाना. सो वेयर इज द बनाना? हियर आउटसाइड द बास्केट. ये क्या है? बास्केट है और ये बनाना है. नाउ दिस इज कॉल्ड बास्केट. तो बास्केट के अंदर बनाना नहीं है. वो कहाँ है? बाहर यानी आउटसाइड में. ओके, द बनाना इज आउटसाइड द बास्केट. यानी बनाना जो है बास्केट के बाहर है. सी दिस पिक्चर. नाउ नेक्स्ट, द पेंसिल आर इनसाइड द बॉक्स. सो दिस इज बॉक्स एंड दीज आर टू पेंसिल्स. ओके, नाउ द पेंसिल आर इनसाइड द बॉक्स. ये जो पेंसिल है ये कहाँ है? बॉक्स के अंदर मतलब इनसाइड. अंदर मतलब इनसाइड. ओके, तो ये पेंसिल बॉक्स के अंदर रखी हुई है. नाउ नेक्स्ट, द स्लीपर्स आर आउटसाइड द रैक. सो दिस इज कॉल्ड रैक. तो ये शूज रैक बोलते हैं इसे. और दिस इज द पिक्चर ऑफ स्लीपर. क्या है? स्लीपर. तो स्लीपर्स हम कहाँ रखते हैं? शूज कहाँ रखते हैं? रैक, शूज रैक के ऊपर रखते हैं. ओके, नाउ द स्लीपर आर आउटसाइड द रैक. ये रैक है लेकिन स्लीपर कहाँ है? आउटसाइड यानी बाहर रखिए, रैक के अंदर नहीं रखिए. ओके, द स्लीपर आर आउटसाइड द रैक. Now next, the lion is inside the den. This is called den. ये क्या है? Den. Den जो है वो जंगल में होते हैं. Lion भी जंगल में ही रहते हैं तो den भी जो है जंगल में रहते हैं. तो lion कहाँ रहते हैं? Den के अंदर. See this picture. This is called den. Den किससे बनता है? पत्थर जो रहते हैं तो वो ऐसे ऊपर के साइड में ऐसे रखे हुए रहते हैं गुफा के टाइप. सो उसके अंदर क्या रहते हैं? लायन, टाइगर, लेपर्ड. तो कहाँ रहते हैं? डेन के अंदर. दिस इज कॉल्ड डेन. द लायन इज इनसाइड द डेन. लायन का है डेन के अंदर. ओके, नाउ नेक्स्ट, द काउ इज आउटसाइड द शेड. काउ का है आउटसाइड द शेड. दिस इज कॉल्ड शेड. ये काउ जो है शेड के अंदर रहती है. ओके, यहाँ पर उन्हें काउ को जो है बांधते हैं. एंड दिस इज काउ. ये कौन है? काउवे. तो काउ कहाँ है? शेड के अंदर है या शेड के बाहर? ये शेड के बाहर है. द काउ इज आउटसाइड द शेड. काउ शेड के बाहर है. ओके, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 70. ओके, मार्क
इनसाइड एंड आउटसाइड ऑब्जेक्ट. हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट से वो बाहर है या अंदर है, उन चीज़ों को हमें क्या करना है, टिक करना है. ओके, यहाँ पर जो है क्वेश्चंस दिए हैं और यहाँ पर पिक्चर्स दिए हैं, तो उन्हें हमें पिक्चर्स को ऑब्जर्व करके फिर हमें क्वेश्चन को रीड करके हमें वहाँ पर टिक करना है. ओके, लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट आंसर इनसाइड और आउटसाइड. तो ये पिक्चर्स दिए हुए, द ऑरेंज आर इनसाइड आउटसाइड द बास्केट. सो दिस इज बास्केट, फ्रूट बास्केट. ओके, एंड दिस इज ऑरेंज फ्रूट्स. नाउ ऑरेंज इज इनसाइड और आउटसाइड. ऑरेंज का है बाहर है या अंदर है. ऑरेंज जो है वो बास्केट के अंदर है. ओके, द ऑरेंज आर इनसाइड द बास्केट. ओके, द ऑरेंज आर इनसाइड द बास्केट. ऑरेंज का है बास्केट के अंदर. ओके, नाउ नेक्स्ट, द फिश इज इनसाइड और आउटसाइड द बाउल. दिस इज कॉल्ड बाउल. क्या है ये, बाउल है, और बाउल के अंदर क्या है, फिश है और वाटर है. वाटर के अंदर क्या रहती है, फिश रहती है. ये किस में है, बाउल के अंदर. यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, द फिश इज इनसाइड और आउटसाइड द बाउल. फिश जो है वो अंदर है या बाहर है बाउल के. आंसर इज द फिश इज इनसाइड द बाउल. फिश कहाँ है, इनसाइड द बाउल, यानी फिश बाउल के अंदर है. नाउ यू हैव टू टेक इनसाइड. ओके, नाउ नेक्स्ट, द वुमन इज इनसाइड और आउटसाइड द हाउस. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ हाउस एंड शी इज वुमन. ये कौन है, वुमन है, यानी एक लेडी है, और ये बैक साइड में क्या है, उसके हाउस है. अब वुमन जो है हाउस के अंदर खड़ी है या बाहर खड़ी है. द वुमन इज इनसाइड और आउटसाइड द हाउस. यस, द वुमन इज आउटसाइड द हाउस. आंसर इज आउटसाइड. वुमन जो है, लेडी जो है, वो घर के बाहर खड़ी है. ओके, नाउ नेक्स्ट, द बुक्स आर इनसाइड और आउटसाइड द बॉक्स. सो दिस इज बॉक्स एंड दीज आर बुक्स. हाउ मेनी बुक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6. दीज आर 6 बुक्स एंड दिस इज 1 बॉक्स. नाउ हाउ मेनी बुक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 बुक्स आर आउटसाइड द बॉक्स. ये 6 बुक्स है, ये कहाँ है, बाहर है, बॉक्स के बाहर है, बॉक्स के अंदर नहीं है. देन आंसर विल बी द बुक्स आर आउटसाइड द बॉक्स, यानि बुक्स जो है वो बॉक्स के बाहर है. नाउ यू हैव टू टेक आउटसाइड. ओके स्टूडेंट, नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड. आपको समझ में आया इनसाइड और आउटसाइड क्या है. इनसाइड मतलब अंदर और आउटसाइड मतलब बाहर. नाउ यू ऑल्सो डू एट होम सम एक्टिविटी इनसाइड और आउटसाइड एंड यू कंप्लीट दिस वर्क. आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड. ओके, एंड यू ऑल्सो टिक द करेक्ट पिक्चर, रीड दिस क्लियर फोटो एंड सेंड ऑन द ग्रुप. ओके, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय स्टूडेंट.